अस्सलाम दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलकर सामने आ चुका है। एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठ गया है जिसके बारे में जानना पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी टीम के अंदर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग की, वो कौन से खिलाड़ी हैं जो बाबर आजम के सबसे बड़े मुखालिफ थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम और खिलाड़ियों के दरमियान क्या वाकया पेश आया। पाकिस्तान की वो टीम जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जीत के ट्रैक के ऊपर चल रही थी, आखिर पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया। बाबर आजम के ड्रॉप किए जाने के बाद इन सारी हकीकतों से ऐसा ऐसा पर्दा उठना शुरू हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम? बाबर आजम के साथ क्या कुछ होता रहा, पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी ग्रुपिंग करते रहे और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किसने किया है, आज की वीडियो में पूरी हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलकर सामने आ चुका है। ऐसे राजों से पर्दा उठ चुका है जिसके बाद अब ऐसा ऐसा इस बात की समझ आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा था। बाबर आजम जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे तो उस वक्त कौन से खिलाड़ी बाबर आजम के खिलाफ जबरदस्त किस्म की ग्रुपिंग कर रहे थे? सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान की टीम जीत के ट्रैक के ऊपर थी। पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम को 10 विकेट से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा भारत को शिकस्त दी। उस वक्त बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा शहीनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल थे। उस वक्त बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीनशाह अफरीदी, इन खिलाड़ियों की दोस्ती के चर्चे भी अरूज पे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया और अब यह हालत है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तकरीबन खत्म होने की कगार पे है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जब पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर मौजूद थी तो वहां पे बाबर आजम को इस बात का पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बाबर आजम की कप्तानी से नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। इसी दौरान बाबर आजम ने पूरी टीम को एक हाल के अंदर बुलाया जहां पे बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ियों से अकेले में यह बात की कि मैं आप सब से मुखातिब हूं कि हम इंडिया के अंदर पहली दफा खेलने के लिए आए हैं और शायद हम दोबारा भारत के अंदर कभी भी खेलने के लिए ना आए, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर किसी भी खिलाड़ी के दिल में मेरे लिए मुखालफत है या कोई भी बात है तो खुदारा आप इस चीज को जानने दें, दरगुजर करें और अपना पूरा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर रखें। बाबर आजम ने सारे खिलाड़ियों के सामने जो है एक किस्म की माजरत की और पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग खत्म करने की पूरी कोशिश की। उस वक्त तो सभी खिलाड़ियों ने बाबर आजम की हां में हां मिलाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से शिकस्त खाकर बाहर हो गई। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो ग्रुपिंग थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बाबर आजम को भी इस चीज का पता था कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि टीम जो है वो मेरी कप्तानी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव कर दिया जाता है और शहीनशाह अफरीदी को पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान बना दिया जाता है। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अंदर टी20 सीरीज खेलने के लिए जाती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर पहले से भी ज्यादा ग्रुपिंग जो है वो बढ़ने लगती है। इस दफा शहीनशाह अफरीदी के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग होती है और पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के अंदर बुरी तरह से टी20 सीरीज हार जाती है। न्यूजीलैंड के अंदर टी20 सीरीज हारने के बाद पीसीबी की जानिब से एक बड़ा फैसला किया जाता है, शहीनशाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव करके बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाता है और बाबर आजम कप्तानी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की कप्तानी में फिर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाती और पाकिस्तानी टीम के अंदर बददस्तूर ग्रुपिंग जो है वो एक्टिव रहती है। आखिरकार बाबर आजम को इस चीज का एहसास हो जाता है कि पाकिस्तानी टीम के चंद ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि बाबर आजम की कप्तानी को कतई तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बाबर आजम की उन खिलाड़ियों के साथ किसी दौर में बेहद दोस्ती थी, उनमें सबसे बड़ा नाम शहीनशाह अफरीदी का है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान का है और मोहम्मद रिजवान के बाद शादाब खान का है।
ये ऐसे खिलाड़ी थे जो बाबर आजम के सबसे गहरे दोस्त थे, लेकिन यही खिलाड़ी बाबर आजम की पीठ में खंजर घोंपते हैं और बाबर आजम की कप्तानी को खत्म करते हैं। पाकिस्तानी टीम का डाउनफॉल जो है वो उसी तरह से जारी रहता है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाती है, शान मसूद को पाकिस्तानी टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल जो है वो उसी तरह से जारी रहता है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज बुरी तरह से हार जाती है। उसके बाद पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज होती है, जहां पे शान मसूद को एक दफा फिर कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी ये खिलाड़ी टीम के अंदर बदस्तूर खेलते रहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहली दफा व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ता है और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस में पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम खेलने आती है, जो कि इस वक्त टेस्ट सीरीज जारी है। इस टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तानी टीम की वही हालत रहती है और पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डालती है। इस पूरे पीरियड में बाबर आजम न सिर्फ कप्तानी से हाथ धो बैठते हैं, बल्कि बाबर आजम की अपनी फॉर्म जो है वो भी चली जाती है। लेकिन अब बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप किए जाने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तानी टीम के अंदर इस किस्म की ग्रुपिंग होती रही, पाकिस्तानी टीम के अंदर इस किस्म की धड़ेबंदी होती रही कि पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। ना तो इसका जिम्मेदार पीसीबी है और ना ही इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, बल्कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद सीनियर खिलाड़ी जिनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के अंदर पॉलिटिक्स की, पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपबंदी की और पाकिस्तानी टीम को इस बड़े डाउनफॉल तक पहुंचाया। कुल मिलाकर बात की जाए तो बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के बाद अब पाकिस्तान की एक न्यू लुक टीम जो है वो सामने आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि इन बड़े खिलाड़ियों के ड्रॉप होने के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस देती है, टेस्ट मैच जीतती है, या फिर पाकिस्तान की यह न्यू टीम भी पुरानी टीम की तरह शिकस्त का मुंह देखती है। लेकिन एक बात तो यहां पे तय है, एक बात जो है उसका पता चल चुका है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम इस कदर बुरे तरीके से आती रही और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जहां पे बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे, वहां पे पाकिस्तान की टीम यूएसए जैसी छोटी टीम से भी हार गई। और इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट दिया था, उस मैच में भी पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आपने वो मैच देखा होगा जहां पे इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम एंड तक क्रीज के ऊपर खड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम 120 बॉलों के ऊपर 120 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो यह बात साबित हो चुकी है, खुलकर सामने आ चुकी है, बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के बाद यह हकीकत सामने आ चुकी है, इस हकीकत से पर्दा उठ चुका है कि पाकिस्तानी टीम के डाउनफॉल के सबसे बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए वो चंद लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग करवाते रहे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आपस में लड़ाते रहे, पाकिस्तानी टीम के अंदर पर्चियां चलती रही और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाह किया जाता रहा। अकेले बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डाउनफॉल के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो सीनियर खिलाड़ी जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे और एशिया कप 2023 में भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के बाद अब ऐसा ऐसा सारी हकीकतों से पर्दे उठना शुरू हो गए हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डाउनफॉल का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।